नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, तो वहीं भाजपा जो है वो हैट्रिक लगाने के मूड की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो अब वापसी करने के मूड में है, जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं कई पार्टियां जो है वो अपना धरातल सोच रही है, धरातल खोज रही है। और फिलहाल हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों के बाद हलचल हर जगह तेज है। और आज हम मौजूद है अंबाला में और कुछ ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्या कुछ पारा जो है वो चल रहा है। सर, स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। देवलाल जी, राजनीतिक तौर पर क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में? सभी ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होते हैं, अलग अलग जिलों से है, क्या कुछ कहना चाहिए? हरियाणा में देखो बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि राष्ट्रवाद पे ही वोटिंग डलेगी, कि हरियाणा सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का अपना स्टेट है, क्योंकि हरियाणा से ही सबसे ज़्यादा मिलिट्री में फौज में भर्ती हैं, क्योंकि उनको अंदर कूट कूट के राष्ट्रवाद भरा गया। और जिस प्रकार से कांग्रेसी जो गलत बयानबाजी करते हैं, जैसे अभी जे&के से एक वीडियो आई थी जिसमें कांग्रेसी नेता बोल रहा था कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो 370 को दोबारा लागू कर देंगे, और जिन्होंने इनकाउंटर करे हैं उनको फांसी दे देंगे, और जो अंदर जेलों में डाले गए उनको हम रिहा कर देंगे। तो ऐसे ऐसे बयान दे के जब तो कांग्रेस में कैसे सुरक्षित समझ सकता है कोई सनातनी? तो इसीलिए सनातन धर्म के, तो मेरे ख्याल से सभी सनातनियों को बीजेपी को वोट देके सरकार बीजेपी की बनानी चाहिए, अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। राष्ट्रवाद धर्म इससे अलग आकर अगर काम की बात करें तो पिछले 10 साल में क्या कुछ काम हरियाणा में हुए हैं? देखो, काम की बात करें तो जैसे हमारे जो जितना भी ऑनलाइन जो काम शुरू हुए हैं, मेरे ख्याल से पारदर्शिता जो आई है वो बीजेपी सरकार में है। नहीं, उससे पहले तो अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट की आप उठा के देखोगे ना, कम से कम 30-30, 40-40 करोड़ रुपये तो डुप्लीकेट पेंशन ले रहे थे और वो ऑफिसर ही खा रहे थे। आज अंबाला डिस्ट्रिक्ट में भी 27-28 करोड़ रुपये का कपला का, यमुनानगर में 34 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा पेंशन खा रहे थे। तो वो सब जो निकला है तो वो नजायज जो आदमी अफसर खा रहे थे और जो असली आदमी उस तक नहीं पहुंच रहा था उनके नाम पे खा रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत सारी पारदर्शिता हुई है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, कुछ भी कराना, आपका ऑनलाइन एक मिनट में आप कहीं से भी निकलवा सकते हो। यानी ऑनलाइन होने के बाद राजस्व जो है वो बचा है, बचा है। और दूसरा, रिश्वतखोरी में भी कमी आई है। ट्रांसपोर्टर होने के नाते क्या कुछ फायदे मिले हैं इन 10 सालों में? ट्रांसपोर्टरों के लिए सरकार ने क्या कुछ किया? ट्रांसपोर्टरों के लिए नितिन गडकरी जी को बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो सोच, बड़ी सोच के साथ बड़े बड़े हाईवे सड़क देखो अच्छे बनवाए हैं, बट एक कमियां जरूर छोड़ दिया कि हर सड़क पे 50 किलोमीटर के बाद हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कोई ना कोई ऐसी सेफ जगह होनी चाहिए जहां वो लैटरिन जा सके, बाथरूम कर सके, विश्राम कर सके, या कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो अगर कोई उसके साथ रास्ते, यानी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है जी। और दूसरी बात है, जो बीजेपी सरकार के अंदर जो अनदेखी की गई है कार्यकर्ताओं की, जो असली कार्यकर्ते थे जो अपनी जान तक हथेली पे रख के बीजेपी सरकार को लेके आए थे कि ये राष्ट्र धर्म के मुद्दे के उठाएगी, गोरक्षा की गोरक्षा करेगी, उन चीज़ों पे विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए बीजेपी सरकार को। जिस प्रकार से मेवात में जो कांड हुआ था, हमारे धर्म पे इतना बड़ा प्रहार हुआ, हमारे योद्धा भी मारे गए, और इन्होंने जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं कही, उसका दुख है। धर्म के साथ साथ देश और देश के साथ साथ अर्थव्यवस्था, यानी तीनों चीज़ों पर मंथन करने की जरूरत है। मंथन करने की जरूरत, सबसे पहले तो मंथन जो देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून है ना, वो अब नहीं बल्कि 5 साल पहले और सख्ताई से लेना चाहिए था। दो बच्चे पैदा हों ताकि देश को, राष्ट्र को बचाया जा सके। अगर कोई उससे ज्यादा बच्चे पैदा करता तो उसको गोली मार देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो वही शरिया कानून वाली बात है। बिल्कुल शरिया कानून। फिर उनमें और हम में फर्क क्या रहा? तो भाई फिर बांग्लादेश में क्या हो गया, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में आपके 24% थे, कहां आज 1.5% है, तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं देखते? आप हमारे में तो, मतलब हमने तो एक बात कह दी कि ये खाली मुसलमानों के लिए थोड़ी है, ये तो सबके लिए है। हिंदू एक बच्चा भी नहीं पैदा कर रहा है भाई, हिंदू भी तो राष्ट्र के बारे में सोच रहे कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे संसाधन कम होंगे, तो उनको भी हमारे साथ मिलकर। और जो यूसीसी जो कानून है, जो मोदी जी ने अभी लाल किला से बोला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो जल्द से जल्द उसको लेके आ जाए, ताकि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, कोई भी हो, वो सब एक समान हो। कम से कम इतना तो, भारत देश हमारा है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, धर्म के नाम पे पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश का, कि पाकिस्तान पाकिस्तान का जो भी है इनका पार्टीशन तो धर्म पे हुआ था, लेकिन आज क्या है, पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ मुस्लिम है। क्यों भाई? वो भी भारत के रहने, पर्सनल लॉ मुस्लिम है, पर्सनल लॉ ईसाई है, पर्सनल लॉ फारसी है, जबकि पर्सनल लॉ हमारे लिए होना चाहिए था, सुरक्षा हमें चाहिए थी। तो ये सब मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार को बड़ी सख्ताई के साथ ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो देखो अब की बार तो ये आगे है।
अगली बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मंथन करना पड़ेगा इस चीज पे, योगी जी की तर्ज पे, विश्वा शर्मा जी की तर्ज पे, मोहन लाल जी की तर्ज पे, एमपी वाले जिस प्रकार से एमपी के अंदर से बॉर्डर उठाए हैं, हम सब ट्रांसपोर्टर भाई कम से कम एक चक्कर में 2000 रुपये देते थे और आज हम उससे बच गए क्योंकि भाजपा के बाद कुछ फायदा मिला है। बिल्कुल, एमपी में तो मिलना है, आप लगाओ हमारे 3 चक्कर लगते हैं तो 2-3-6 हजार रुपये बच गए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से वक्का बोर्ड का कानून के ऊपर उन्होंने किया है तो वो बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे पूरे तीसरे हिस्से की मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा हो चुका है। तो आने वाले समय में चुनाव में किसको देखते हैं, भाजपा या कांग्रेस या कोई? भाजपा ही आएगी जी, भाजपा ही आएगी, कोई दो राय नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार से तन से आए मन से धन से समर्थन है बीजेपी को, यानी बीजेपी को पुरजोर समर्थन है और बीजेपी वापसी करेगी। सर क्या नाम है, कौन सा जिला? मेरा नाम पवन है, जिला भिवानी है। भिवानी, ज्यादातर ट्रांसपोर्टर अम्बाला से बाहर के ही है। यहाँ राजनीतिक हलचल तेज है और इस राजनीतिक हलचल में क्या मानते हो, आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? अभी तो पार्टियां किसको किस कैंडिडेट को कहां से टिकट देती है इस पे डिपेंड करेगा। खाली पार्टी की बात करें, कैंडिडेट से चुनाव जीता जाएगा या पार्टी से जीता जाएगा? नहीं नहीं, अभी कैंडिडेट मैटर करेगा जी सबसे ज्यादा। अभी जब तक कैंडिडेट खड़े नहीं होते, कौन कैंडिडेट किस सीट पे है, लोग क्योंकि ये विधानसभा का इलेक्शन है, इसमें सेंटर का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे स्टेट के मुद्दे हावी रहेंगे जो भी है यहाँ पे, तो इसलिए कैंडिडेट देख के जो हमारे क्षेत्र की हमारी कौन भलाई करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। पिछले 10 सालों में भाजपा ने क्या किया जिसमें आपका फायदा हुआ और नुकसान हुआ? फायदा और नुकसान का आंकलन तो जी बताया, कैंडिडेट देख के ही पता लगेगा वहां से जो। नहीं नहीं, मैं पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ कि पिछले 10 साल में क्या भाजपा ने किया जिससे आपको फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? एक्चुअली क्या, फायदा और नुकसान तो बिजनेसमैन के दोनों पूरक है जी, फायदा और नुकसान सरकार को देख के तो अब क्या बताएं, लेकिन ये है कि अभी हम बिजनेसमैन आदमी को ये नहीं बताएगा हमने कहाँ वोट गिरने, कहाँ मैं वोट की तो पूछ ही नहीं रहा, वही नहीं वो पता है पार्टी के बारे में आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन है भी है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने ऐसा क्या किया जिससे आपको नुकसान या फिर फायदा हुआ? मैं वही बता रहा हूँ आपको, फायदा और ट्रांसपोर्टर होने के नाते पूछ रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर होने के नाते ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन में क्लियर हो जाएगा कि भाजपा ने क्या किया और भाजपा ने क्या नहीं, यानी अपने जवान से नहीं बताएंगे। ये इलेक्शन भिवानी पहले जाते थे, कैसे जाते थे? हम तो भिवानी हम जाते थे अपनी गाड़ी से जाते हैं। कितने समय में पहुंचते थे पहले? आप पिछले 5-6 घंटे लगते थे, अब कितने? अब 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। तो फायदा है या नुकसान? नहीं, सफर में नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे, देखिए किसी ने कोई अच्छे काम भी किए हैं, उससे पहले भी किए, ऐसा नहीं हुआ कि आज ही कोई चीज एक्स्ट्रा हुई है या पहले कुछ नहीं हुए या पहले हुए आज नहीं हुए। सरकार है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, काम करना उनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हमने वोट दे रखा है। सरकार काम करेगी उस पर कोई हमारा एहसान थोड़ी है, काम करेगी, काम करने के लिए तो बनाए हैं वो। ठीक है, काम करने के लिए बनाए हैं। तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं ये इलेक्शन तय करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि अब की बार भाजपा सरकार बनाएगी, इस तरह का कहना इन ट्रांसपोर्टरों का है, हरियाणा के अलग अलग जिले के सभी ट्रांसपोर्टर है, और खासकर ये कहा है कि भाजपा को आत्म मंथन करने की जरूरत है, पुराने कार्यकर्ताओं को संजोने की जरूरत है, साथ साथ अब ये इलेक्शन जो है वो भाजपा जीतेगी, इस तरह का इनका कहना है।